आई स्ट्रांगली फील कि आपका पर्सन जरूर स्टेप लेगा इस कनेक्शन को वापस लाने के लिए। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई फील कि आप अपने पर्सन से दूर चले गए हैं और उनको ये महसूस हो रहा है, उनको आपके दूर जाने से बुरा महसूस हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आपने सही डिसीजन लिया, लेकिन अब वो गिल्ट में हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी गलती की वजह से आप उनसे दूर हो गए हैं। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन कन्फ्यूज है, वो इस कश्मकश में उलझे हुए हैं कि वो कोई एक्शन लें या नहीं, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस यूज कर रहे हैं कि वो सिचुएशन से बाहर निकल पाएं, क्योंकि वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। वो अपनी फीलिंग्स या सिचुएशन को लेके डिनाइल में जी रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली सी कि आपका पर्सन इस कनेक्शन को खोने से डरता है। मे बी वो आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहे हों और वो अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं कि अगर उनको ये कनेक्शन वापस चाहिए तो उनको आपको परस्यू करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि दे डेफिनेटली विल डू। बैक ऑफ माई माइंड आई सी कि आपका पर्सन इमेज कॉन्शियस है, उनको अपनी इमेज की काफ़ी परवाह है कि वो खराब ना हो। दे केयर कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। डीप डाउन आई फील कि योर पर्सन इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, उनको मैच्योर होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात आपके कनेक्शन में ये है कि आपका पर्सन आपको लेके अनसर्टेन है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे दूर चले गए और इसीलिए चले गए क्योंकि उनको उनके पास्ट रिलेशनशिप्स का डर सताता था, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, इसलिए ये उनको आगे बढ़ने से रोकता है। इट मेक्स देम स्केयर्ड। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन अंदर ही अंदर ये सोचता है कि आप और वो एक बहुत अच्छी टीम है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, एंड मे बी यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको लगता होगा कि उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है या उनकी साइड से कुछ नहीं है, बट आई फील कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो वो किसी और के लिए फील नहीं करते। इट फील्स लाइक यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट, बट एक ही चीज़ उनको कन्फ्यूजन में रखती है और वो है अनसर्टेनिटी। या तो वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से हील नहीं हुए हैं या वो खुद को ही अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपके कनेक्शन में एक मैजिक है। आप उनकी लाइफ में एक लाइट की तरह हैं, एक चमक, एक पावर जो वो फील करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी अंधेर भरी जिंदगी को आपने उजागर किया है, फिर चाहे आप एक दूसरे से बात कर रहे हो या नहीं, पर आप उनकी लाइफ में एक मैजिक की तरह हैं। मैजिक सराउंड्स योर कनेक्शन। आई थिंक आपके कनेक्शन में एक सेपरेशन भी है। फिलहाल आप उनको डेट नहीं कर रहे और वो भी कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे। कोई ऐसा फियर है जो उनको ब्लॉक कर रहा है आपके पास आने के लिए। अगर आपका पर्सन आपके साथ कुछ गलत भी करता है तो उनको रिग्रेट फील होता है और वो अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ज़रूर है जो उनको रोकता है। बट ट्रस्ट मी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ से आई कैन फील कि वो आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि आपका पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो कहीं ना कहीं श्योर नहीं है कि चीज़ें फ्यूचर में कैसी होंगी या वो अभी क्या करना चाहते हैं। बट आई नो फॉर श्योर कि आपका पर्सन अभी पीस ऑफ माइंड चाहता है। दे जस्ट वॉन्ट पीस। उनको कोई हार्डशिप नहीं चाहिए कनेक्शन में, और मे बी इसलिए वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं। बट आई डू फील लाइक कि आपका पर्सन आपको फील करता है इन अ वियर्ड वे। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए जिससे उनको क्लैरिटी मिल सके कि वो क्या चाहते हैं या क्या करेंगे। आपका पर्सन एफर्ट्स करना चाहता है लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे। वो रिग्रेट भी फील करते हैं कि वो आपको छोड़ के क्यों गए या चीज़ें ऐसी क्यों हुई। आई एम श्योर वो जल्द अपोलोजाइज करने आएंगे। उनके अंदर फिलहाल दो चीज़ें चल रही हैं। पहली, या तो कनेक्शन को परस्यू किया जाए या जैसा है वैसा ही चलता जाए। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि जब से वो आपसे मिले हैं उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है,
वो आपको लेके काफ़ी प्राउड फील करते हैं। आई कैन ऑल्सो सेंस कि अभी आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, या तो आप उनकी कम्युनिटी से दूर हैं या वो आपकी, या फिर आप सेम एरिया में ही हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से मिल नहीं पा रहे। बट देर आर फीलिंग्स हेयर, फीलिंग्स लाइक केयर एंड लाइटनेस, और आप उनकी लाइफ में एज एन इंस्पिरेशन वाली फीलिंग हो। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो उनको काफ़ी इंस्पायर करती है, एंड आई कैन ऑल्सो फील कि आप और आपका पर्सन एक दूसरे को काफ़ी फील करते हैं। जैसे आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर विचार उत्पन्न होते रहते हैं, बट यू डोंट नो वाई। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील कि आपका पर्सन टाइम चाहता है। आई एम श्योर टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स लाइक वो कोशिश कर रहे हैं फिगर आउट करने की। आपके कनेक्शन में एक ऐसी पावर है जो उनको रियलाइज कराती है कि वो अकेले नहीं हैं, लेकिन अब जब आप उनसे दूर हैं तो वो अकेला महसूस करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं कि वो अकेले हैं। मे बी उनको लोगों के बीच रहना पसंद है और दिखाना पसंद है कि वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो अकेले हैं। एंड नाउ आई सी कि उनको रियलाइज हो चुका है कि वो लाइफ में काफ़ी अकेले हैं। वो आपको काफ़ी मिस भी करते हैं। आपकी कमी उनको खलती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके इस खालीपन को सिर्फ आप ही भर पाएंगे, एंड वो ये जानते हैं कि यू हैव देयर हार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉजिकल है। मे बी वो दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई कैन स्ट्रांगली फील कि वो आपको काफ़ी ट्रस्टवर्दी मानते हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनकी हेल्प करी है और बदले में कुछ नहीं चाहा। इट्स लाइक योर हार्ट इज़ सो प्योर। आपके अंदर एक जेन्युइन स्पिरिट है जो उनको ड्राइव करती है आपकी तरफ, और वो बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आपके पास वापस आ जाएं और अपने डिनाइल से बाहर निकलें। देर आर फीलिंग्स हेयर फॉर श्योर। आपके पर्सन का बिहेवियर क्वेश्चनेबल है। आई थिंक उनको जो चीज़ें अपने हिसाब से सही लगती हैं वही करना वो पसंद करते हैं। अब ये आपके लिए और उनके लिए काफ़ी अलग हो सकता है। बैक ऑफ द माइंड आई फील कि वो ये भी सोचते हैं कि वो इस रिलेशनशिप से गेट ओवर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दे कैन डू, क्योंकि वो आपको स्पेशल समझते हैं और अपने से कई ज़्यादा गुना बेहतर इंसान भी। आई स्ट्रांगली फील कि आपका पर्सन ज़रूर स्टेप लेगा इस कनेक्शन को वापस लाने के लिए। आपके कनेक्शन में एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो मुझे बता रही है कि आप दोनों जल्दी एक हो जाएंगे, इफ़ अभी नहीं तो बाद में तो ज़रूर। एंड वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में उनके बिना कैसे रहते हैं। आपका पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है, एंड आई थिंक वो रोज़ यही सोचते हैं कि कैसे माफ़ी मांगी जाए, और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं। कभी कभी वो पुरानी फ़ोटोज़ कॉन्वर्सेशंस को याद करके रोते भी हैं। वो एफर्ट्स करना चाहते हैं लेकिन उनको लॉजिक, कन्फ्यूजन और पास्ट रिलेशनशिप्स रोकते हैं ऐसा करने से, क्योंकि वो काफ़ी डरते हैं। उनके लिए ये सब चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव हैं, एंड आई फील लाइक वो कभी दोबारा हील नहीं कर पाएंगे अगर उनका दिल दोबारा टूटता है तो। डीप डाउन आपका कनेक्शन एक मैजिक की तरह है। वो आपके बारे में रोज़ सोचते हैं, एंड आई कैन सी उन्होंने कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहा। आई फील लाइक आपने उनकी सोल को काफ़ी डीपली टच किया है, दे फील इट टू। आई कैन ऑल्सो सेंस इंडिपेंडेंट एनर्जी हेयर। आप काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं। आपकी ये इंडिपेंडेंस लोगों को डराती है, एंड वो अप्रोच करने से डरते हैं। आपको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। आई फील आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थे। आप उनके साथ अपने दुख सुख शेयर करते थे, एंड मैं देख सकता हूँ कि आप जल्दी एक साथ होंगे सही टाइम आने पर। कुछ चीज़ें जिनकी वजह से अभी सब रुक सा रहा है वो जल्दी ठीक होंगी। हैव पेशेंस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन।
मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। हिडन डेप्थ्स, ये फेरी आपसे कहना चाहती है कि जो ऐसी चीज है जो आपकी नजरों से हिडन थी, छुपाई गई थी, वो अब लाइट में आने वाली है। ये परैप्स एक सीक्रेट या कोई पुरानी बात हो सकती है, जो भी हिडन है, छुपाया हुआ है, ये फेरी चाहती है उसके सामने आते ही अब फ्री हो जाओ। एक चीज जो आपको यहां करनी है वो ये कि आपको अपने पास्ट से फ्री होने के लिए एक स्टेप लेना है। जब आप फ्री होने के रास्ते पर चलोगे तो उस रास्ते पर आपके आसपास आपसे लोग जुड़ने लगेंगे और आप लाइट फील करके पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ोगे। ये कार्ड यहाँ आया ही इसलिए है आपको ये बताने के लिए कि आप रेडी हो जाओ अपने कनेक्शन की हिडन डेप्थ्स को फेस करने के लिए। आपको इसे अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करना चाहिए और कहना चाहिए कम वट में जो मेरी तरफ आ रहा है वो आ जाए। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।